केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा संगठन द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाना है। इसी के अंतर्गत बागली विधानसभा के बागली मंडल के अंतर्गत मंगलवार के दिन सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, मंडल अध्यक्ष टिकेंद्र प्रताप सिंह, कमल जायसवाल की उपस्थिति में भोमियाजी मंदिर पर हनुमान जी का जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर इस अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत बागली मंडल के लगभग 10 ग्रामों में पहुंचकर ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मोदी जी ने दिया और क्या क्या मिला? मकान मिल गया, नहीं फिर बाथरूम मिल गया, अनाज मिलेगा कि नहीं मिल रहा है, कौन दे रहे? मोदी जी को। फिर अब 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 9 वर्ष पूर्ण होने पर 30 मई से 30 जून तक के महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है और जिसकी शुरुआत बागली विधानसभा के खंडवा लोकसभा क्षेत्र में हमने आज शुरू की है। और जिन लोगों को, लाभार्थियों को लाभ मोदी जी की सरकार की योजनाओं का मिला है, चाहे वो किसी को गैस का चूल्हा मिला है, किसी को पक्की छत का मकान मिला है, तो किसी को पेंशन मिल रही है, तो किसी को निःशुल्क अनाज मिल रहा है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो ऐसी अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिला है। और लाभार्थियों से चर्चा करने के लिए हम गांव-गांव में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लाभार्थियों से चर्चा करके उनके मन में क्या प्रसन्नता है ये आप अच्छी तरह से आप खुद ही देख रहे हैं कि हर माता बहनें बोल रही कि मुझे गैस का चूल्हा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।